हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आम का मुरब्बा बनाना। देखिए, इस तरह से हमने चार मीडियम साइज के आम हैं, हमने काट लिया है, अच्छी तरह से साफ कर लिया है इसे छील के। अब इसको हम बनाएंगे। देखिए, हमने पैन हमारा गर्म हो रहा है और ये सब सामग्री है। जीरा है फूरन के लिए और ये चीनी है 100 ग्राम, इसमें लगेगा। और छौंकने के लिए घी है। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब हम 2 चम्मच घी डालेंगे। जीरा हम डाल देंगे। जीरा हमारा लाल हो चुका है, इसमें हम आम को डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। इस तरह से नमक डालने के बाद इस तरह से चलाएंगे। पहले नमक को चलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तब इसमें हम चीनी डालेंगे। देखिए, हमारा ये अच्छा से सॉफ्ट हो गया है। देखिए, इस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको, एक काट के देखिए एकदम मुलायम हो गया है। इसमें अब हम चीनी को डाल देंगे। इस तरह से चीनी डालने के बाद हमको 1 मिनट इसे अच्छा तरह से पूरा घुल जाएगा चीनी। अब थोड़ा सा हमको इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्का सा स्वाद के लिए डालेंगे। ज़्यादा तीखा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। उसके बाद हम इसको 1 मिनट इसी तरह से ढक के पकाएंगे। उसके बाद हमारा तैयार हो जाएगा ये। देखिए, हमारा खटमिट्ठी तैयार हो गया ये आम का। देखिए कितना सुंदर बना है हमारा। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। देखिए कितनी जल्दी बन गई है और बहुत अच्छा है। इसको रख के भी खा सकते हैं, पराठे के साथ या रोटी के साथ बच्चे खूब मन से खाएंगे। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।